हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिवाइन यूनिवर्स में। आज हम बात करेंगे जब कोई दिल दुखाए या हमें या हर्ट करे तो हमें क्या करना चाहिए, अपने साथ भी और हर्ट करने वाले के साथ भी। किसी ने हमें हर्ट कर दिया, बुरी तरीके से हर्ट कर दिया, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम हर्ट क्यों होते हैं। सबसे पहला कारण है एक्सपेक्टेशंस। यदि हमने किसी से उम्मीद रखी, पूरी नहीं हुई, तो हो गए हम हर्ट। अब लोग कहेंगे कि अरे हमारे अपने हैं, हमारे प्रिय हैं, थोड़ी तो उम्मीद रख सकते हैं ना। लेकिन नहीं, हमने हमेशा देखा है कि हर्ट होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो दूसरों से उम्मीद। जो इंसान जितनी ज़्यादा उम्मीद रखेगा दूसरों से, वो उतना ही ज़्यादा हर्ट होगा। दूसरा कारण है ओवर सेंसिटिव होना। जब हम ओवर सेंसिटिव होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, या यह कह लीजिए कि हम बात बात पर हर्ट होते हैं। हर छोटी छोटी बात पर हर्ट होते हैं। छोटी छोटी बातों से हम अपना मूड खराब कर लेते हैं। किसी ने मजाक किया, हम हर्ट हो जाते हैं। किसी ने ज़रा सा भी इग्नोर किया, हो गए हम हर्ट। किसी भी बात को हम खुद से जोड़कर देखते हैं, ज़रूर उसने मेरे लिए ही कहा होगा। या फिर यदि कोई कुछ बात कर भी रहा है तो हम ओवर सेंसिटिव होने की वजह से, नहीं नहीं ये मेरी वजह से, मेरी ही बात कर रहा होगा, ये मेरे ही कारण, मेरे मुझे ही सुना रहा होगा कुछ बातों को लेकर। तो ये सब चीज़ें हमें हर्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं जब कोई हमें हर्ट करे तो हमें क्या करना चाहिए उसके साथ और अपने साथ भी। देखिए, सामने वाला हर्ट कर रहा है, फिर हम दुख ही हो रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, फिर हम उसे हर्ट करने की सोचेंगे, हम उसे बदला लेने की सोचेंगे कि नहीं मैं भी उसे हर्ट करूँगी, मैं भी इस चीज़ का बदला लूँगी। कई बार ये होता है कि हर्ट, सामने वाला हर्ट करता है, हम रोते रहते हैं, अपने आप को हम दुखी करते रहते हैं, फिर उसे ये होता है कि हम उसे हर्ट करेंगे वो हमें करेगा, फिर हम उसे करेंगे फिर वो हमें, तो ये हमेशा ऐसा ही चक्र चलता जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उसे माफ़ करना है। हाँ, माफ़ करना है। अब आप लोग बोलेंगे माफ़, उसे माफ़ क्यों करेंगे, ये हम उसे माफ़ नहीं कर रहे, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। कर तो उसे माफ़ रहे हैं लेकिन ये हम खुद के लिए कर रहे हैं। यदि हम देखा जाए, यदि हम अच्छे से अगर आकलन करें उसका देखें तो इसमें हमारी ही भलाई है, हमारा ही फायदा है। क्यों? क्योंकि हमें माफ़ इसलिए नहीं करना है कि उसने हमें हर्ट किया या उसने कोई गलती नहीं की, नहीं, बल्कि आप इसीलिए माफ़ कर रहे हैं कि आप अपनी अंदरूनी शांति चाहते हैं। खुद के लिए माफ़ कर रहे हैं, सामने वाले को, अपने आप को शांत रखना चाहते हैं। तो आप अपने लिए कर रहे हैं, उसके लिए नहीं कर रहे। ये जो कुछ भी आप माफ़ी दे रहे हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं। और माफ़ करने के बाद उससे पूरी तरह से दूरी बना लीजिए। जब कोई इंसान हमें बार बार हर्ट करता है तो हम हर्ट होने के लिए थोड़ी बने हैं। हमें क्या करना चाहिए, उससे पूरी तरीके से उससे अपनी दूरी बना लिए कि नहीं तू जा, तूने बहुत हर्ट कर दिया, अब नहीं होना है हर्ट, अब मुझे शांति चाहिए, मुझे खुश रहना है। फिर क्या करें, अपने आप को भी ज़रूर माफ़ कीजिए। उसे तो माफ़ कर दिया, उसने हर्ट किया, उसे माफ़ कर दिया, आपको सुकून मिल गया। लेकिन अब थोड़ा सा गौर इस बात पर कीजिए कि हमें अपने आप को भी माफ़ करना है। क्यों? क्योंकि किसी और की वजह से हमने बहुत प्यारे इंसान को, मीन्स खुद को, हमने बार बार हर्ट किया, कभी बातों को याद करके, कभी रो कर। फिर क्या होता है, उसने हर्ट किया, हम सभी को बताने लगते, अरे फैमिली वालों को, उसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, फ्रेंड्स को, उसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, हर किसी को बताते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। ये क्या हो गई बात, ये हो गई अफर्मेशन। हम इधर अफर्मेशन दे रहे, उधर अफर्मेशन दे रहे, बताना मीन्स अफर्मेशन। हम बहुत दिल से, बहुत फीलिंग्स के साथ बताते हैं कि देखो उसने ना मेरे साथ ना ऐसा किया। ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी अफर्मेशंस। जब वो अफर्मेशंस होगी, वो भी पूरी फीलिंग्स के साथ, तो वो क्या होगा कि वो इतनी पावरफुल वाली अफर्मेशंस हो जाएगी कि वो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएंगी। अब क्या होगा कि सामने वाले ने तो हर्ट कर दिया, हम उसके बारे में 50 लोगों को बता रहे ऐसा किया वैसा किया, तो पूरी फीलिंग्स के साथ, तो वो भी एक तरह से अफर्मेशंस हो गई, उसमें फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। तो वो क्या होगा कि अब हर कोई हमें हर्ट करते जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने मैनिफेस्ट ये किया है, तुम हर जगह यही बोल रहे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, तो अब सभी लोग तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे, सभी लोग हर्ट करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, ये सब चीज़ें छोड़ देनी है, हमें नहीं बतानी है किसी से। हमने उसे माफ़ कर दिया, शांति से, दिल से,
दिल से उसे माफ़ कर दिया, उसके बाद अपने आप को माफ़ कर दिया, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून, कितनी शांति होगी। और उसने जो आपके साथ किया है ये उसका कर्म बन जाएगा। अब कर्म बन जाएगा तो अब वो आगे उसका कर्म, उसके साथ उसका जो रिजल्ट है वो उसके सामने रहेगा। हम क्यों अपने आप को परेशान करें, हम क्यों अपने आप को हर्ट करें? तो मुझे लगता है कि किसी और की वजह से हमें हर्ट नहीं होना चाहिए। इतनी प्यारी सोल, इतना प्यारा इंसान, मीन्स आप खुद अपने आप को माफ़ भी कर दीजिए, सामने वाले को भी माफ़ कर दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, थैंक यू।